नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूँ अर्जिता। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के तेलीपति इलाके में गाला माल गोदाम के सामने आज सुबह एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट हुआ। हालांकि राहत की खबर ये रही कि इस धमाके से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ब्लास्ट के बाद पूर्वी इम्फाल की पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। धमाके के बाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की बैलिस्टिक टीम भी पहुंची और घटना की जांच की। वहीं पोरमपत पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर खैलेट लंघल ने बताया कि घटना सुबह 3:30 बजे हुई। गोदाम का गेट क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। सस्पेक्टेड टू बी आईईडी। दिस मॉर्निंग इन दिस अर्ली मॉर्निंग लाइक 3:30 AM वन सस्पेक्टेड वी हैव डिटेक्टेड वन सीसीटीवी फुटेज अकॉर्डिंग टू दैट बट एक्जेक्टली वी कैन डिटेक्ट द पर्टिकुलर डेड पर्सन unknown active suspected to be active was one person was driving then stopped at in front of this gate this godown Gala Mar godown telepathy owned by Ramnath Sahu then the person gave that suspected bomb then that the bomb was exploded in this early morning like 3:30 AM no casualty was there. Then we rushed to the spot and we have taken a serious matter to this exploded. Right now investigation is undergoing on. उन्होंने आगे बताया कि सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध का पता लगाया गया है, उसकी पहचान अभी भी जारी है। संदिग्ध एक्टिवा चलाता देखा गया। संदिग्ध रामनाथ साहू के गाला माल गोदाम तेलीपट्टी के सामने रुक गया। फिलहाल धमाके में किसी को भी किसी तरह नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। इस धमाके की पुलिसिया जांच जारी है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस धमाके के पीछे की असल वजह क्या थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।